नाराज है ना आप मुझसे? होना भी चाहिए, इतने दिन के बाद आया हूं। लेकिन क्या करता हमने, क्या करता? अपने आप से किया गया वादा पूरा कर रहा था और मैंने यहां से जाते हुए यह वादा किया था कि बहरामों के महलों की ईंट से ईंट बजा दूं। जब तक उनकी ईंटें नहीं उखड़ेंगी मैं वापस नहीं आऊंगा। आपको याद है हमारी गली में एक लच्छे वाला आता था, 1 रुपए का लच्छा देता था। आपने कभी मुझे उससे लच्छा लेकर नहीं दिया। आप हमेशा ये कहती थी कि मैं तुझे घर पे बना दूं। लच्छे घर पे थोड़ी ना बनते हैं अम्मी, लेकिन मेरी किस्मत लच्छे की तरह ऊंची हुई थी। पर अब बहरामों को उलझा के रख दूंगा, वही 1 रुपया जो तेरे पास नहीं होता था उसे 1 रुपए के लिए ये लोग सड़कों पे उतरेंगे, भीख मांगेंगे लोगों से। हेलो। अच्छा ठीक है, ठीक है, बाय। हेलो फिरोज, इतनी बेजान आवाज। आप मुझे वापस आने की इजाजत दे दो। इजाजत? तुम्हारे मुझे माफ कर दे फिरोज, प्लीज। खूबसूरत सराबे में खराब चेहरा चुप नहीं सकता। आप मुझे मासी की सजा दे रहे हैं फिरोज। मासी? उस मासी को तुमने अपने आप से कभी अलग किया ही नहीं। मर जाऊंगी तब यकीन आएगा आपको? तब भी नहीं आएगा। तुम क्या समझती हो, मुझे नहीं मालूम तुम लाहौर में क्या कर रही हो। क्या क्या कर रही हो? तुम क्या करती हो, किससे मिलती हो, सब मालूम है मुझे। किससे मिलती हो? मुझे कॉल करने से बेहतर होता कि तुम कुछ शर्म कर लेती। अभी कुछ देर पहले तुम साहिल के साथ मजार पर थी। वो मुझे नहीं मालूम था वो भी वहां पर आ जाएगा। शट अप। साहिल के साथ रंगरलियां मना रही हो और माफी मुझसे मांग रही हो। अपनी जबान को काबू में रखें फिरोज। असल चेहरा दिखाया तो तकलीफ होने लगी तुम्हें, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आपको जेब नहीं देता मेरे लिए इस तरह की जबान इस्तेमाल करें। तुमने मोहब्बत की कहानी दोबारा शुरू कर ली, तुम्हें जेब देता है? हाँ शादी मुझसे की, मगर अपने पल्लू में साहिल को छुपाकर रखा तुमने। छोटी धोखेबाज बेवफा हो तुम।
मैं आइंदा आपसे कभी बात नहीं करूंगी। करना भी मत। अगर तुम इस इंतजार में हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम साहिल के साथ सेज सजाओगी, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, कभी आजाद नहीं करूंगा तुम्हें, और यही तुम्हारी सजा है। अंतर मुझे कॉल मत करना। नगीन, नगीन, क्या हुआ मैडम? मेरे अम्मा, तुम्हारे अम्मा को पुलिस ले गई है। क्या हुआ बेटा? क्यों? देखो तो। कुर्सी में बड़ी ताकत होती है। कुर्सी है तो सब कुछ है, कुर्सी नहीं तो कुछ भी नहीं। कल तक जो लोग झुक झुक कर मिला करते थे, आज झुक कर मिलने का हिसाब ले रहे हैं। पापा प्लीज, साफ साफ बताएं ना, हुआ क्या है? जिन लोगों का काम मैं नहीं करा सका था, वो मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं। आपने किसी को बताया? किसको बताऊं? सब ने तो मुंह मोड़ लिया है। कोई आपको कैसे फंसा था इस तरह? मैं इंस्पेक्टर से बात करती हूं। नहीं नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। पापा, कहीं साहिल ने तो नहीं? नहीं बेटा, तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इसी वजह से तो मेरी कोई जमानत नहीं कर रहा। ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। मैंने और मेरे डिपार्टमेंट वालों ने इनसे 55 करोड़ रुपए लिए थे, उनका काम नहीं हम करा सके तो उन्होंने हमें, बल्कि उन सब ने मिलकर मुझे इस झूठे मुकदमे में फंसा दिया। आप इन सबका नाम पुलिस को क्यों नहीं बताते? मैंने तुम्हें कहा ना, बहुत खतरनाक लोग हैं, वो तुम्हें और नगीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो देखो, नगीन का ख्याल रख रहा, मुझे लगता है कि साहिल की बद्दुआएं हमें खा गई हैं। आपकी रिश्वत हमें खा गई। अब एहसास हुआ है कि जिंदगी में बहुत बुरे काम किए मैंने, शायद उन्हीं की सजा है ये, मकाफात अमल है, इसीलिए तो मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ गया। मैं अल्तमिश भाई से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं बात करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग नगीन को लेने आएंगे। लेकिन हम आपको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, मैं किसी से बात करती हूँ। शीन, चलो बीबी, टाइम खत्म हो गया। एक मिनट बीबी, साहब 10 साल के लिए अंदर जा रहे हैं, आना जाना रोज का लगा रहेगा। चलिए, हमारा साहब गुस्से होता है। परेशान कहाँ हैं आप? लाहौर में हूँ परिशा। क्या मतलब? और मैं सोच रही थी कि आप हमारे साथ अभी खाना खाएंगे। एक्चुअली एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई थी, इस वजह से आना पड़ा। साहिल, मैंने आपके लिए खाना बनाया था। परिशा, तुम रुहान और अमशा को खिला दो ना। हाँ, वो लोग तो खा ही रहे हैं। आप खाएं बाजार से, और आइंदा से मैं आपके लिए कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। सॉरी। ओके फाइन, बाय। क्या हुआ आपी?
कुछ नहीं। अच्छा भाई, हमें तो लगा ये सब खाना आपने हमारे लिए बनाया होगा। आप भी? एक बात पूछना चाह रही थी मैं आपसे। पूछो। ये जितने भी लोग हैं सब के सब साहिल भैया से इतना डरते हैं, लेकिन साहिल भैया सिर्फ और सिर्फ आपसे डरते हैं, क्यों? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? हाँ तो आप बताएं, आप खुद ही बताएं ना मुझे, आप इतना डांटती हैं बात बात पर मेरे साहिल भैया को। अरे मेरा चमचा आपने ले लिया, देख दे आप रोटी खाएं। अच्छा एक और भी आइडिया है वैसे मेरे पास, कहें तो शेयर करूं। आप ना साहिल भैया से शादी करें। वो सीमी, वो होने देंगी इन दोनों की शादी? देखा नहीं था कैसे पकड़ के ले गई थी साहिल भैया को? उनका नाम लेना जरूरी था। आप ही आप फिक्र ना करें, उसको हम किसी तरह संभाल लेंगे। मेरी कजन है, मैं जानती हूँ, तो थोड़ी पागल है। साहिल भैया उससे शादी करी ना ले, कुछ तो प्लान करते हैं। ओके जान के जी। अखलाक ने आपकी हर मुश्किल में आपकी मदद की अफजाल भाई, कर आप हमारी मदद नहीं करेंगे इस वक्त तो और कौन करेगा? और ये लोग कौन है, ना आप बता रहे हैं ना अखलाक बता रहे हैं। प्लीज अफजाल भाई, प्लीज हमारी हेल्प करें, कुछ तो करें हमारे लिए। हेलो अफजाल भाई, हेलो हेलो, सबसे बात करनी बेटा, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग अखलाक के साथ क्लबों में अपनी हर शाम गुजारते थे, आज वो फोन तक नहीं उठा रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा किससे मदद मांगू, सबके असली चेहरे इस मुश्किल वक्त में दिखाई दे रहे। जो दूसरों के साथ बुरा करता है आखिर में उनके साथ ऐसे ही होता है। पापा है वो तुम्हारे, हमसे पूछकर किए थे ये सब काम उन्होंने। क्या हो गया है तुम्हें नकीम? उन्हें कभी भी मेरी फिक्र थी नहीं, अगर होती तो ऐसा कभी भी ना होता। क्या बोल रही हो तुम, क्या कहना चाह रही हो? क्या हमने तुम्हारी फिरोज की शादी की इसलिए, इसका ये मतलब है? कोई मतलब नहीं है मेरी बात। या अल्लाह तू ही हमारी मदद कर। चलिए जनाब आपकी जमानत आ गई है, आइए। जमानत मेरी? कौन, किसने कराई? साहब मुझे क्या पता किसने आपकी जमानत कराई है, वैसे रहना तो आपको 10 साल अंदर चाहिए था, लेकिन दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ये लीजिए अपनी दवाएं, आपके लोग बाहर खड़े हुए हैं। मेरी जमानत किसने कराई? आपकी जमानत साहिल साहब ने कराई। मेरी मदद का शुक्रिया। संजय जरा 3 मिनट से।
क्या कह रहे थे? बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने का। आपने मुझे और मेरी मां को अपने घर से निकाला। मैंने आपको थाने से निकलवा दिया। वक्त वक्त की बात है, कल आपका था, आज मेरा वक्त है। चाहूं तो केस और मजबूत करके आपको हमेशा के लिए अंदर करवा सकता हूं अभी भी, लेकिन कुछ तो फर्क होना चाहिए आपने और मुझ में। आपने हमारे किरदार पे हमला किया था, मैंने आपके जमीर पे। आप तो न जी सके, मैं जीत गया। आपके लिए यही सजा काफी है कि आपका जमीर जाग गया। अपनों की बेरुखी और लॉकअप की एक रात ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं इस बात को रियलाइज करता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी वालदा के साथ बहुत ज्यादती की है, और अगर वो हयात होती तो मैं उनसे जरूर माफी मांगती। माफी तो मांगनी है, कहां कब कैसे ये मैं बताऊंगा आपको। हाँ मैं जरूर मांगूंगा माफी, लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने ये धमकी दी थी कि जो मेरी जमानत कराएगा वो उसको भी छोड़ेंगे नहीं। मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं, जानते हैं क्यों? मुझे तो एक नागिन तक डस चुकी है जिसका जहर मुझे कुछ नहीं कह सका। ये किस खेत की मूली है? देखो नगीन की वजह से जो तुम्हें दुख पहुंचा है, कि तुमसे उसके लिए माफी मांगने को तैयार। मुझे नहीं चाहिए किसी की माफी। जाइए आप। वो लोग जो भी हैं अब आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूला तो मैं भी नहीं कुछ। वो गालियां आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उन गोलियों के निशान आज भी मेरे जिस्म पे मौजूद हैं। ये मत समझिएगा मैंने माफ कर दिया आपको, क्योंकि माफ तो मैं अपने बाप को भी नहीं करता। राम हाउस से कोई कॉल आई? ना कॉल आई और ना ही आएगी। किसी की बदबू खा गई है मुझे। मैंने हर बुरे काम से अब तौबा कर ली। दिन रात अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगू।
मुझे हैरत हो रही, अब एक दिन में कैसे बदल गए? कल रात मुझे बहुत एहसास हुआ कि मैं बहुत गुनाहगार हूं। कहां से आ गए? नहीं, तो फूल लाया हूं आपके लिए। तुम्हें नजर आ रही वो खड़ी मुस्कुरा देख रहे हो तो? वो कौन खड़ी मुस्कुरा रही है दादी जान? मुमताज नजर आ रही है मुझे। मुमताज कौन? मुमताज माजी परेशान कर रहा है ना आपको। तुम्हें पता है ये जो मुमताज है ना, ये मुमताज है, हमें मारना चाहते। ऐसा क्या किया था आपने मुमताज के साथ जो वो आपको मारना चाहती है? क्या किया था आपने? ये कैसे मुमकिन है? ये मरे हुए लोग भी नजर आ जाते हैं क्या? ये मरे हुए लोग जीने भी नहीं देते दादी। ये मुमताज है ना, मुमताज जानती नहीं है, हमें नहीं जानती है मुमताज। अब आपकी धमकियों में कोई दम नहीं रह गया दादो। क्या आप जानती हैं इस बात को कि ये जो वक्त होता है ना, ये सब कुछ अपने पास कैद कर लेता है। हर वो लम्हा, हर वो बात कैद कर लेता है अपने पास, और जब आप पे वक्त आता है तो फिर वो लम्हा आपको दिखाता है कि आपने कब, किसके साथ, कहां, क्या किया। तुम यहां क्या कर रहे हो? तमाशा देख रहा हूं। तमाशा? तुमको हमारा घर तोड़ के सुकून नहीं मिला? दादा ये घर अभी टूटा कहां है? चले जाओ यहां से, चले जाओ। बताइए ना, क्या किया था आपने मुमताज के साथ? क्या ऐसा किया था आपने मुमताज के साथ, बताइए मुझे। तुम कौन होते हो पूछने वाले? न जाने और कितने दिन जिंदा रहे आप दादी जान, कम से कम अपने जमीर को जगा लीजिए। बरखुरदार, अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना हम अपने नौकरों को बुला के तुम्हें इसी वक्त धक्के देके इस घर से निकलवा देंगे। टांगे कब्र में लटक रही है लेकिन अकड़ खत्म नहीं हुई आपकी। गफूर, नीलोफर, कहां हो तुम लोग? नना कहां मर जाते हैं ये लोग? तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? फूल लाया था दादी के लिए। तुम यहां से जा रहे हो या मैं पुलिस को बुला के तुम्हें अरेस्ट करवाऊं? फांसी पे चढ़ा देना प्लीज, गोली मार दे, जमीन में गाड़ दे, लेकिन
आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि प्यार ही इतना ज्यादा करता हूं आप लोगों से कि फूल लाया हूं दादी जान, कबूल कर लीजिए, आपके लिए रखें इसे, रख लें, शायद बाद में ना आ सकूं मैं। हैदर साहब, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जी आई अंडरस्टैंड। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? लोग किस तरह बदल जाते हैं? कोई हमसे बात भी नहीं करता। अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आएगा। जिस पेड़ की जड़ें काट दी जाए उस पे कभी बाहर नहीं आती। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? कौन है, किसके खिलाफ जाऊं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। मुझे किसी पे शक है, नीलोफर और बेहजाद। तहमीना, हम पहले ही इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, अब एक और मुश्किल ना शुरू कर दो। वो आपकी बहन है इसलिए। मगर नीलोफर और बेहजाद क्यों ऐसा करेंगे? आप शायद भूल रहे हैं, जड़ें अपने ही काटते हैं। घर के बाहर भी जंग करें और घर में नहीं। लेकिन मालूम करने में क्या हर्ज है? बहराम ग्लोबल का इंडस्ट्रियल मटेरियल और कुछ मशीनरी आ रही है, एक दो दिन में पोर्ट तक पहुंच जाएगी, किसी भी तरह से उसको रोकिए। हाँ, एक साल तक वो तमाम चीजें रिलीज नहीं होनी चाहिए। सर, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप जानते हैं कि किस तरह से किस चीज को रोकना होता है। उसके लिए मेरा बंदा आएगा, जो जितना वो कर सकता है बता दीजिएगा, कर देगा। थैंक यू। और कितना पैसा जाया करेंगे आप? कहां थे और मुझे फोन क्यों नहीं किया? जस्ट वन मिनट। जी अनवर साहब। हाँ, एक छोटा सा काम करना है आपने। जितनी भी कंपनीज इस वक्त हमारे साथ काम कर रही हैं, सबको एडवांस में 50% प्रॉफिट दे दीजिए। दे दीजिए सर, मैं आपसे कह रहा हूं। आई नो बहुत जरूरी है। और हाँ, मुझे एक 25 करोड़ रुपए कैश पे चाहिए। थैंक यू। आज? अच्छा, कब तक? ओके बाय। साहिल, आप अपनी कंपनी का तमाम प्रॉफिट दूसरी कंपनीज को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता जो कंपनीज हमारे साथ काम कर रही हैं वो वापस बहराम ग्लोबल जाएं। आप जानते हैं आपकी कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे तो बिजनेस कर कौन रहा है? कौन कर रहा है बिजनेस? ऑफिस जाओ, एक चाइनीज डेलीगेशन आ रहा है, अनवर साहब हैंडल नहीं कर पाएंगे, प्लीज। कुछ अर्से पहले बहराम ग्लोबल का बनाया पुल नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से दो नौजवान जा भाग हो गए थे। आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बहराम ग्लोबल के वकील ने ये बात साबित कर दी है कि पुल के नीचे कोई नहीं था और किसी भी किस्म का कोई जान नुकसान नहीं हुआ है। फिर ये सच सामने आया है कि बूढ़े माँ बाप जिनके दो बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से उनका जहनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। ये दोनों बूढ़े माँ बाप जहाँ भी सना का हादसा दिखते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि ये उनके बच्चे हादसे का शिकार हुए। बूढ़े वालदैन के वकील का कहना ये है कि ये दोनों उन्हें कोर्ट के बाहर मिले, वो नहीं जानते थे ये दोनों पागल हैं। तर्स खाकर मुफ्त में केस लड़ने का फैसला किया। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को ये हुक्म दिया है कि वो इस पुल गिरने की तहकीकात दोबारा जारी करें।
जी अशफाक साहब, क्या अपडेट्स? सर कुछ ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे पास, लेकिन 30 मिनट पहले वो भी कैंसिल हो चुके हैं। तमाम कंपनीज ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया है। सर इट्स रियली हार्ड टू से, अब हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं। शुभाग साहब, हमारे पास जितना स्टॉक है उसे बेच दें। सर मैं कोशिश कर चुका हूँ, कोई कंपनी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारा मटेरियल ठीक नहीं है। सर अगर 1 महीने तक यही सिचुएशन रही, हमें तमाम फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी। तनवीर बता रहा था कि रात के वक्त हमारी फैक्ट्री में कोई मूवमेंट नजर आती। हो सकता है कि कुछ लेबर रात की शिफ्ट में काम कर रही हो, मैं मालूम करता हूँ। एम ग्लोबल के ओनर का कुछ पता लगा? नो सर। हमारा हर प्रोजेक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर टेंडर एम ग्लोबल के पास जा रहा है। जितनी भी कंपनीज पहले हमारे साथ काम करती थी वो अब एम ग्लोबल के साथ काम कर रही हैं। हमारे वर्कर्स को एम ग्लोबल की तरफ से जॉब्स की ऑफर है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि हमारे सवाल के पीछे जरूर एम ग्लोबल का बहुत बड़ा हाथ है। और फाइनेंसेस की क्या सिचुएशन? मुझे नुमान नहीं नजर आ रहा। सर नुमान की वाइफ हॉस्पिटल में है। तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का वीजा लग गया, काम होते ही फ्रांस जा रहे हो तुम। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त भी करवा दिया है ताकि वहाँ जाके तुम्हें कोई परेशानी ना हो। एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू सहल भाई। सहल भाई, ये बहराम ग्लोबल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें मैंने तब्दील कर दिया। गुड। बहराम ग्लोबल के अकाउंट से पैसा एम ग्लोबल के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। वाओ, ग्रेट। कोई गड़बड़ मत करना, बस कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर फाइनेंस को मैं अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। बहराम ग्लोबल का सारा बिजनेस मेरी उंगलियों पर, कच्ची गोली नहीं खेलूंगा, एकदम पक्का काम करूंगा। सर देखने वाले को यही लगेगा कि अल्तमश खुद एम ग्लोबल में पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं। मैं उन सर एक फाइल पर साइन करवा चुका हूँ और बहुत जल्दी दूसरी फाइल पर भी साइन करवा दूंगा। बस उसके बाद अल्तमश बहराम खुद 2 फैक्ट्रियां सस्ते दामों एम ग्लोबल को बेचता हूं। बहराम ग्लोबल के साथ जितने भी लोग, जितनी भी कंपनियां, पार्टनर्स काम कर रहे थे, सब लोगों ने अपने पैसे वापस निकलवा लिए। सर ऑफिस में मेरे साथ 40 लोग काम कर रहे हैं, सब के सब आपके लिए काम कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जगह बहराम ग्लोबल की है और
काम एम ग्लोबल कर रही है। और ये बैंक वाले कब आएंगे अपने अरबों रुपए वापस लेने? बैंक को मैंने किसी तरह से इन्फॉर्म कर दिया है कि बहराम ग्लोबल खत्म होने वाला है, आज नहीं तो कल एक दो दिन में बैंक कभी भी आ सकता है। बहराम ग्लोबल वाले अगर अपना सब कुछ भी बेच दें तो भी कर्जा नहीं उतार सकेंगे। बहराम ग्लोबल खत्म हो चुकी है सर। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। जो सफर मैंने सालों में तय करना था तुम्हारी मदद की वजह से वो चंद दिनों में खत्म हुआ। साहिल भाई, कंपनी गिरने के बाद ये लोग मुझे ढूंढेंगे जरूर। कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को हाथ भी नहीं लगा सकेगा। जबान दिया, वादा किया, अपनी जान दे दूंगा, पर तुम में से किसी पे भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। थैंक यू सो मच। सुल जाओ इससे पहले कोई और भी मिल जाए यहाँ पे। सी यू समवेयर इन फ्रांस। श्योर। वेरी सून, वेरी सून। आइए। हेलो सर। जी नुमान। सर मैंने कुछ फाइनेंसर इंगेज किए हैं, वो हमारी कंपनी में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी वाइफ कैसी है? नाउ शी इज फाइन सर। चलो गुड टू हियर दैट। ये क्या? सर ये कुछ फाइल थी, इस पर साइन करवाने थे आपके। ठीक सर, बैंक वाले विजिट करना चाह रहे थे। फिर मैंने उन्हें रोक लिया कुछ महीनों के लिए। नुमान तुम्हारी यही बात है मुझे अच्छी लगती है। थैंक यू सर। दैट यू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी।